क्रोध मान माया लोभ, ये है प्रकृति प्रदत्त। कैसे है ये प्रकृति प्रदत्त? प्रकृति प्रदत्त माने क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ छोई मुसीब परिग्रह, ये आदमी को सीखना नहीं पड़ता। क्रोध कैसे करा जाता है इसका कोई स्कूल खुला है? अरे खुला है क्या? आपके बच्चे को क्रोध मान माया लोभ का प्रशिक्षण देते हो आप? अरे देते हो क्या? नहीं देते तो भी क्रोध मान माया लोभ अपने आप प्रकृति से मिलता है, मिलता है। आप उसे कोई काम वासनाओं के बारे में प्रशिक्षण देते हो, अपने आप एक उम्र के बाद वासनाएं उठना चालू हो जाती हैं। ये सब प्रकृति प्राकृतिक है, ये आदमी के अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। आप अब आ जाओ बाहर, दो और दो कितने होते हैं? तीन और तीन, चार और चार, चार किया बारह, चार पंचे बीस। ये आपको अंदर से नहीं आया है, ये आपको अंदर से नहीं आया, ये आपको विद्यालय में बैठ के बार बार सुनाया गया है। तो बसन जी बोलो, चार पंचे कितने होते हैं? चार पंचे बीस। अंदर कोई विरोध होता है कि नहीं बीस नहीं होते, पच्चीस होते? नहीं होते, क्योंकि अंदर को तुम्हारे चार पंचे बीस से कुछ लेना देना ही नहीं। वो कहता तुम्हारी जो बाहर की स्थिति है, जो बाहर का मैनेजमेंट है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, इसमें सारा मैनेजमेंट है बुद्धि का। किसका? समझ लो, ऐसा समझ लो हमारा घर है और हमारे घर के अंदर हृदय है, जो हृदय है, उदाहरण समझा रहा हूँ, वहाँ श्रद्धा, वहाँ आत्मा, वहाँ क्रोध मान माया लोभ रहते हैं। कहाँ? आत्मा के मेन पॉइंट पर, माने घर में। और जो उसकी परिधि है, जो उसके बाहर है, वहाँ रहती है बुद्धि। तो जैसे अपन घर के बाहर एक चौकीदार बैठा देते ना, तो बाहर से कोई आता है तो चौकीदार पूछता है, वो आ रही हूँ, कहाँ से आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है? तो मकान मालिक, जो उसका मेन मालिक है, उसको पता चलता है सब बातें? नहीं चलता। चौकीदार उसमें से जो काम का आदमी होता है, ठीक है ना, नहीं नहीं उसमें भी कहता रुको, जानता है कि काम का आदमी है, मालिक नहीं बुलाया है, तो भी कहता रुको। और अंदर जाके कहता है फला फला व्यक्ति आया है, तो वो कहता है उसको हाँ भेज दो अंदर, ठीक है। और जिसको चौकीदार जानता है कि बिल्कुल कोई काम का ही नहीं है, उसे वो बाहर के बाहर ही मालिक नहीं निकल रहा, चल जाओ, तो वो बाहर का चौकीदार ना तो इस बात से परेशान होता है कि कौन है कौन नहीं, उसको जैसा मालिक ने बताया इस टाइप का आदमी है तो भगाना है, काम का है तो अंदर रखना है। ऐसे ही बुद्धि जो है वो बाहर में और अंदर में। तो जैसे चौकीदार कहे एक आदमी आया था, मैंने उसे भगा दिया, अच्छा ठीक किया ना, तो वो क्योंकि दिन भर में हजारों आदमी निकलते हैं, ना तो वो पूछता फिरता है कि कौन आया था और कौन, क्योंकि जो अंदर आया था बस उसे उससे मतलब है, और जो बाहर पूछ पूछ के भग गए उनकी कोई लिस्ट नहीं, उसे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ही हमारे अंतर में भी, हमारे जीवन में भी एक बुद्धि है। बुद्धि क्या करती है? तुम्हारे बाहर के जीवन को व्यवस्थित करती है। बुद्धि का काम क्या है? रोड पे कैसे चलना, ट्रक आ रहा है तो कैसे बचना, तो ये सारा काम किसका है? बुद्धि का। तो बुद्धि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है उसका बैलेंस बाहर में बनाती है, और अंदर का उससे कोई लेना देना नहीं, हृदय से। समझ में आया? तो तुम जो कुछ भी बुद्धि से सीखते हो उसका अंदर कोई विरोध नहीं होता। ये समझ में आया? तुम विद्यालय में पढ़ने गए तो तुम्हारी आत्मा कभी तुमसे नहीं कहती ये दो दो चार कैसे हो सकते, नहीं होती, लड़ाई झगड़ा नहीं होता वहाँ। दो और दो चार पढ़ाया, पढ़ लिया, याद कर लिया, बात खत्म हो गई, क्योंकि तुम्हें अंदर उससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। दो और दो चार है, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती कि नहीं दो और दो पाँच होते हैं, होते ऐसा नहीं होता। आप इंजीनियरिंग तक पढ़ लो,
आपका अंदर से कोई व्यवधान नहीं आएगा। अब ये बुद्धि की पढ़ाई है, अब आ जाओ आध्यात्मिक पढ़ाई पे। अब जैसे हमने विद्यालयों में पढ़ाई करी थी और हमारी बुद्धि ने पढ़ाई पढ़ पढ़ के याद कर ली थी, लेकिन आत्मा से उसका कोई विरोध नहीं था। लेकिन यहाँ तुम कहते हो, मैं समझाता हूँ कि क्रोध बुरा है, तुम्हारी बुद्धि भी क्या कहती है, क्रोध बुरा है, लेकिन वो अंदर कहता है नहीं, क्रोध जरूरी है। पकड़ में आया, द्वंद समझ में आया। अंदर वाले ने ये नहीं कहा था कि दो और दो पांच होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ नहीं कहा उसने। लेकिन जब क्रोध मान माया लोक की बात आती है तो मैं यहाँ समझाता हूँ कि स्त्री पुत्र मकान दुकान में सुख नहीं है। तुम्हारी बुद्धि कहती है कि बिल्कुल ठीक कहते हो, सुख नहीं है, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं सुख है। अब ये क्रोध खड़ा होता है, इसका नाम है द्वंद्व। और तुम हमेशा इस द्वंद्व में जीने लगते हो जब तुम धर्म समझते हो, कि बाहर से समझ के आते हो कुछ और अंदर से निकलता है कुछ और। अब वो द्वंद्व इतना भयंकर है कि तुम जितना गहरा उतरोगे द्वंद्व उतना बढ़ेगा। समझ में आया, जितने गहरे उतरोगे द्वंद्व उतना बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि कहेगी कि संसार में सुख नहीं है और हृदय कहेगा संसार में सुख है। अब इससे बचने का उपाय क्या है कि तुम्हें होने लगती घबराहट, अरे यार अपन से तो ये भैया हमारे बस का तो क्रोध माल माया भी होते ही है। फिर वो तुम्हें जो उत्तर मिल गए थे कौन से, चारित्र मोह का उदय और क्रमबद्ध पर्याय, तुम्हें वो उत्तर बहुत काम के दिखते हैं, क्योंकि उससे तुम्हारा द्वंद मिटता है। करा तुमने कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा वो जो द्वंद था कि क्रोध मान माया लोग बुरे हैं तो आते क्यों है, ये द्वंद मिट गया कि ठीक है साहब, बुद्धि ने दूसरा उत्तर भी खोज लिया कि साहब इसलिए आते हैं आप महाराज शांति से बैठे रहो। हृदय कहता है तुझे उत्तर मिल गया, अच्छा इसलिए आते हैं, वेरी गुड। बुद्धि ने प्रश्न किया, बुद्धि ने समाधान किया, श्रद्धा में नो परिवर्तन। श्रद्धा क्यों की, क्यों, वो मिथ्या दृष्टि था और मिथ्या दृष्टि ही है। फिर और बुद्धि क्या करती है कि साहब वहाँ के दो और दो चार, पाँच और पाँच दस, और ऐसे हिंदी पढ़ना, इसलिए देखो भाषा में क्या होता है, तमिलनाडु का बच्चा तमिल बोलता है, साउथ इंडिया के बच्चे कन्नड़ मराठी तेलुगु मलयालम, है ना, ये भाषा बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। और हिंदी प्रांत के बच्चे अपने यहाँ की भाषा बोलते हैं। अब इंजीनियर साहब नोट करो, उनका कलर कैसा है, काला सांवले, इधर का आदमी थोड़ा गोरा है, उनकी कदकाठी अलग है, उनका खान पीन अलग है, यहाँ का खान पीन अलग है, ये सब अलग अलग है ना। अरे ये तो छोड़ो, आदिवासी चले जाओ, मैं तो कौन सी भाषा बोलते ये ही नहीं पता। ऐसा होने पर भी क्रोध मान माया लोभ से, क्योंकि वे प्रकृति के, वे सिखाए तमिलनाडु वाले को भी वैसे ही गुस्सा आता है जैसा तुम्हें आता है, गजब की बात है कि नहीं। और देखो भाषा तो कैसी है कि अगर तुम तमिलनाडु में रहने लगो तो मुश्किल से महीने दो महीने चार महीने छः महीने में तुम तमिल सीख जाओ, तुम्हारी बुद्धि ग्रहण कर लेगी एकदम। इसलिए देखो आदमी ये बात अच्छे से समझ ले कि ये तुम जो बुद्धि के स्तर पर धर्म समझ रहे हो, धर्म बुद्धि से नहीं चलता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने क्षयोपशम ज्ञान को उपादेय नहीं कहा, उनने क्षयोपशम ज्ञान को हे कहा। अब अपन समझते नहीं क्षयोपशम ज्ञान माने हे मतलब क्या, अपन बोलते वो शास्त्र वगैरह सब कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता का मतलब ये बुद्धि के लेवल की बात है और बुद्धि के लेवल से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये परम सत्य है कि पहली दफे इंसान को गुजरना पड़ेगा बुद्धि से, क्योंकि चौकीदार है तुम्हें, तो मकान जो मालिक है उससे भी मिलना है तो पहले किससे मिलना पड़ेगा, चौकीदार से, क्योंकि उसके बिना उससे मिला नहीं जा सकता। लेकिन वो चौकीदार जब तुम्हें अंदर जाने दे तब तो
वो चौकीदार ही तुमसे 10 प्रश्न करके वो समाधान करके निपटा देता है, वो मालिक से मिलने ही नहीं देता। वो कहता समस्या क्या है, समस्या ये समझ में आया, तुमने यहाँ आत्मा की बात समझी, तुमने कहा आत्मा चाहिए, तो बुद्धि ने कहा क्या चाहिए तुम्हें, तुमने कहा आत्मा, तुमने कहा अच्छा आत्मा चाहिए तो सुनो पढ़ो, मैंने कहा वेरी गुड। अब वो अंदर जो हृदय बैठा वहां तक बात ही नहीं पहुंची, ये बात ऊपर ही हुई, ऊपर ही समाधान मिल गया कि क्या मिल गया कि पढ़ो। अब तुम पढ़ने लग गए, अब पढ़ने लग गए तो बुद्धि तो मेमोरी की तरह है, जो जो तुमने पढ़ा उसने सब याद कर लिया। आत्मा कैसी है, शुद्ध है, जानने देखने वाला है, गाय है, राग का करता नहीं है, राग से जुदा है, बुद्धि ने सब याद कर लिया। अब तुम बुद्धि के पास फिर गए कि अभी मुझे वो सब कर तो लिया, आत्मा तो मिलता नहीं, आनंद तो आता नहीं, तो फिर बुद्धि जवाब देगी वृषि संयम तो कर, कुछ करता तो है नहीं, तुम क्या करने लगे वृषि। अब ये सारा खेल ऊपर ही ऊपर है, विक्रोधमान माया लोग तक खबर ही नहीं पहुँच रही कि हमें नहीं होना है। ये सारा बुद्धि समझा रही है क्रोधमान माया लोग बुरे हैं, और बुद्धि समझ रही है कि क्रोधमान माया लोग बुरे हैं, और जो बुरे हैं उन तक खबर ही नहीं पहुंच रही कि हम बुरे हैं। पकड़ में आया, तो अपने जीवन भर का जो जीवन का रहस्य है, हमने शास्त्रों को भी वैसे ही पढ़ा है जैसे हम विद्यालय में और पुस्तकें पढ़ते थे, लेकिन उन पुस्तकों के पढ़ने पर और शास्त्रों के पढ़ने पर, देखो जो स्कूल की पुस्तकें होती हैं, जो कुछ भी होता है उनमें और शास्त्र में कितना अंतर है, किस बात का अंतर है, सम्मान का, इसकी अपन कैसी पूजा, कैसी विनय, कैसी भक्ति, कह रहे भैया ये जिनवाणी माँ है। और शास्त्रों को बड़ी गंभीरता से पढ़ना होता है। स्कूल में जब अपन पढ़ते थे तो खेलने भी चले गए, गप भी मार ली, दो बातें भी कर ली, स्कूल का टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन शास्त्र सभा में सावधान और एकदम अलर्ट होके गंभीरता पूर्वक बात सुननी है, क्योंकि ये बात वैसी नहीं सुननी है जैसी स्कूल की सुनी थी। स्कूल की बात में और इस बात में अंतर है कि स्कूल की बात बुद्धि तक जानी है और इसको हृदय तक ले जाना है, तो हृदय तक ले जाने के लिए बहुत गंभीर होना जरूरी है।